अगर आपकी साबूदाना की खिचड़ी खिली खिली और अच्छी नहीं बनती और आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए तो एक बार ये वीडियो देखिए। इसे देखने के बाद हमेशा आपकी साबूदाना की खिचड़ी एकदम बेस्ट और खिली खिली बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो साबूदाना की खिचड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनी है और स्वाद में भी ये उतनी ही टेस्टी है। सभी टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैंने ये वीडियो शेयर किया है, तो इसे बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ही इम्पोर्टेंट है, साबूदाने को भिगोने का स्टेप। तो यहाँ पे मैंने एक कप साबूदाना लिया है। साबूदाना में हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से धोएंगे। यहाँ पे हल्के हाथों इसे धोना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। तो पहली बार आप देखोगे इसमें से बहुत सारा सफेद पानी निकलेगा, तो ये पानी हम निकाल देंगे। तो इसी प्रकार मैंने 2 से 3 बार साबूदाना को अच्छे से धो लिया है। 2 से 3 बार धोना बहुत ही जरूरी है। अब हम साबूदाना को भिगोएंगे, तो उसके लिए हम पानी उतना ही डालेंगे जितना साबूदाना का लेवल है। ये देखिए, बिल्कुल भी साबूदाने के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, उसके लेवल में ही पानी रहना चाहिए। और मार्केट में 2 तरह के साबूदाना होते हैं, एकदम छोटे दाने वाले और मीडियम साइज के। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के जो दाने होते हैं वो लिए हैं। अभी से हम ढक के रहने देंगे, कम से कम आपको 4 घंटे के लिए रखना है और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे के लिए रख सकते हो। जितना पानी हमने लिया है उतना पानी साबूदाना सिर्फ 1 ही घंटे में सोख कर लेगा, लेकिन उसके बाद फिर से पानी नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने साबूदानों को 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। 8 घंटे के बाद ये एकदम मस्त हो गए हैं। उसके बाद आपको एक बड़ी सी प्लेट लेनी है और उसमें सारे साबूदानों को निकाल लेना है, थोड़ा खुला कर देना है और 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने देना है। आप चाहो तो पंखे के नीचे भी रख सकते हो। ये देखिए, और 2 घंटे के बाद साबूदाना एकदम खिले खिले तैयार है। बस इससे अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बनाओगे तो एकदम बढ़िया और खिली खिली बनेंगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून घी लेंगे, 1 टेबलस्पून तेल लेंगे। आप चाहो तो केवल घी में या केवल तेल में भी बना सकते हो। तेल और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून जीरा। अब इसमें 8 से 10 मीठे नीम के पत्ते मिलाएंगे, 15 से 20 मूंगफली मिलाएंगे। इसे अच्छे से चलाना है ताकि मूंगफली पे अच्छा सा कलर आ जाए। गैस की आंच यहां पे मीडियम रहेगी। अभी आप देख सकते हो मूंगफली पे हल्का सा कलर आ गया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च मिला देंगे। यहां पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, इसे भी एक बार चला लेंगे। अब यहां पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे जिसको प्रेशर कुक कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे कच्चा आलू भी डाल सकते हो, लेकिन इसे यहाँ पे आपको अच्छे से पकाना पड़ेगा। मैंने पहले से इसको पका के डाला है तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। आलू को एक बार मिलाने के बाद इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। अगर आपके घर में उपवास में अदरक नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस की आंच एकदम धीमी कर देंगे और हमने जो साबूदाना को तैयार किया तो वो डाल देंगे। इसके ऊपर हम मिलाएंगे 3 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर और उसके बाद मिलाएंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अभी इसे हल्के हाथों मिलाएंगे। अगर ये रेसिपी में से ऐसी कोई भी चीज है जो आप उपवास में नहीं खाते तो उसे स्किप भी कर सकते हो। साबूदाना की खिचड़ी को अच्छे से पकाना बहुत ही जरूरी है और इसे पकने में 8 से 10 मिनट तो आराम से लग जाती है। यहाँ पे आपको इसे हल्के हाथों ही मिलाना है। अभी आप देख सकते हो साबूदाना एकदम व्हाइट और खिले खिले है। अब इसे हम ढक देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की आंच एकदम धीमी रहेगी। 3 मिनट हो गए, इसे चेक कर लेंगे। इसे फिर से एक बार मिला लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप दिखाऊंगा ताकि घर पे आपको बहुत ही आसानी रहेगी इसे बनाने में। मिलाने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे। फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पे टोटल 5 मिनट हुई है। अभी आप देखिए साबूदाना का जो कलर है वो बहुत ज्यादा सफेद नहीं रहा है, अब ये थोड़ा बदलने लग गया है, लेकिन अभी भी ये कच्ची है, इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसे हम हल्के हाथों मिलाएंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 3 से 4 मिनट जितने हो गए हैं और अब आप देखिए साबूदाना का जो कलर है वो अच्छी तरह से बदल गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून चीनी का पाउडर। ये टोटली ऑप्शन, अगर आप नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आधे नींबू का रस मिला देंगे, साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे।
ये देखिए एकदम बढ़िया, एकदम खिली खिली खिचड़ी बनी है। अभी सब कुछ मिलाने के बाद हमें क्या करना है, गैस की आंच को बंद कर देनी है और बंद करने के बाद इसे फिर से ढकेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें से जो भाप निकलेगी उसमें ये सिज जाएगी। ये लीजिए अब साबूदाना की खिचड़ी तैयार है। आप देख सकते हो सारे दाने इसके खिले खिले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपकी साबूदाना की खिचड़ी अब हमेशा अच्छी ही बनेगी। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और इसी के साथ आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। और एक मस्त रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।